असलम लास्ट में हमने डिस्कस किया था वर्ट ऑफ फंगल कैराटाइटिस और उसके हमने टाइप्स से की थी नाउ ए गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैं तमीबा कैराटाइटिस है कैन तमीबा क्या होता है अमीबा क्या है ये हमारा पैरासाइट है हमने पढ़ा हुआ है पैरासाइटोलॉजी में कि दिस इज़ दैराटा पैरासाइट ठीक है प्रोटोजो है सो इट इज़ ऑल्सो अ पोटेंशली ब्लैंडिंग कंडीशन ठीक है इसकी वजह से भी पेशेंट अंधा हो जाता है इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं रिस्क फैक्टर्स इसके लाजमी याद रखना है कौन सा होता है कॉन्टेक्ट लेंस यूज़ जो कॉन्टेक्ट लेंजेज यूज़ कर रहे होते हैं ना आई साइट के उनके अंदर ये होता है इसके अलावा ऑक्यूलोर ट्रामा ऑक्यूलोर ट्रामा की वजह से भी ये हो जाता है लेकिन इसका जो मोस्ट स्वियर मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका रिस्क फैक्टर है वो कौन सा है कि जो जॉन्टेक्ट लेंजेज यूज़ कर रहे होते हैं उनका टिपिकल इसका जो है ना सिनेरियो है कि कॉन्टेक्ट लेंस यूजर्स को कौन सा कैराटाइटिस होता है सो यू हैव टू रिमेंबर दैट द कैंथमीबा इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं क्लिनिकल फीचर्स में सिम्टम्स पेशेंट वही आएगा सिम्टम्स सारे सेम है कैराटाइटिस के सिम्टम्स वही हैं जो हमने शुरू में देखे हैं ठीक है वही पी ब्लडर बार बार आपको याद हो गया होगा ठीक है पी ब्लड क्या होगा पेन होगा फोटोफोबिया होगा ठीक है ब्लडिंग ऑफ विजन होगी लेक्राइमेशन होगी ठीक है रेडनेस होगी वो सारे सेम सिम्टम्स हैं लेकिन यहाँ पे आपने टिपिकल इसका एक दूसरी चीज़ याद रखनी है पहली चीज़ आपको मैंने बताया कॉन्टेक्ट लेंस का याद रखना है दूसरी जो इसकी टिपिकल चीज़ याद रखनी है वो ये कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होती है स्वियर पेन होती है वो कहती है बस के अपना आ, मतलब बहुत ज़्यादा स्वियर पेन होती है आउट ऑफ़ आउट ऑफ़ प्रोपोर्शन पेन हो रही होती है उसे बर्दाश्त से बाहर अच्छा अब इसकी पेन जो होती है वो क्यों इतनी ज़्यादा होती है पेन को ऐसी क्या बात है कि इतनी ज़्यादा पेन होगी पेशेंट को तो वो एक्चुअली साइंस में है साइंस ये है कि इसकी वजह से ना ये जो हमारा होता है कहते मीवा ये क्या करता है पैरी न्यूरल इन्फिल्ट्रेट्स बना देता है मतलब तो जो हमारी न्यूरॉन्स होती हैं ना अच्छा होता क्या है ये बुक में मेरी लिखा हुआ होता क्या है कि जो हमारी स्ट्रोमा होती है ना वहाँ पे जाते हैं ये हमारे जो कैंथमीवा होते हैं इनके ट्रोफोजाइड्स होते हैं आपको पता है ना ये कैंथमीवा जो होता है इसके ट्रोफोजाइड्स होते हैं मतलब ये कि इसकी एक सिस्टिक फॉर्म होती है एक ट्रोफोसाइड फॉर्म होती है तो इसके ट्रोफोसाइट्स क्या करते हैं ये चले जाते हैं हमारे स्ट्रोमा में और स्ट्रोमा में जाके जो न्यूरॉन्स पड़ी होती है ना नर्व सेल्स पड़े होते हैं न्यूरॉन्स पड़े होते हैं ना नर्व्स पड़ी होती है हमारी उनको जाके ना ये साइटोलाइसिस करते हैं एपोप्टोसिस करवाते हैं उन नर्व्स की वहाँ पर जाके साइटोलाइसिस मतलब कि सेल्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं एपोप्टोसिस करवाना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से एक्सट्रीम पेन होती है ये इसका कॉज है कि किसकी क्यों इसका इतनी पेन होती है तो क्या होता है उसकी वजह से कि ये जाके स्ट्रोमल जो न्यूरॉन्स होती हैं नर्व्स होती हैं उनकी हमारे पास डायरेक्ट जाके साइटोटॉक्सिक और एपोप्टोसिस करवाना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से कॉर्नियल नर्व्स होती हैं वो इन्लार्ज कर जाती हैं पैरी न्यूरल इन्फिल्ट्रेट्स जो हैं बन जाते हैं जिसकी वजह से एक्सट्रीम पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है ठीक है इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि रिंग एब्सेस आपको मिलती है जैसे आपको इस फिगर में नज़र आ रहा है फिगर एटी एट पॉइंट सेवनटीन आपकी बुक की इसमें आप देखें आपको रिंग एब्सेस नज़र आ रहा है एब्सेस जो है वो एक रिंग की रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये आपको टिपिकली नज़र आती है कैंथमीबा के अंदर ठीक है तो ये आपने याद रखना है इसके अलावा आपको जो है ना कोर्स ओपेक स्ट्रीक स्ट्रीक्स नज़र आती हैं छोटी छोटी मतलब ऐसे धागे मतलब ऐसे नहीं होते धागे नुमा जो है ना आपको स्ट्रीक्स नजर आती हैं तो ये तीन चीज़ें इसकी साइंस हैं टिपिकल जो आपको एंती में नज़र आते हैं सो so, डायग्नोसिस इसके क्या है क्लिनिकल फीचर्स हम देख लेते हैं पेशेंट के क्लिनिकल फीचर्स से हम डायग्नोज कर लेते हैं पेशेंट को कैराटाइटिस के सिम्टम्स आ रहे होते हैं बहुत ज़्यादा पेन होती है और रिंग एप्स भी हम नोट कर लेते हैं हम जो है उसकी एक्सट्रीम पेन रिंग एप्स और हिस्ट्री लेते हैं हिस्ट्री जो है हमने ली होती है कि वो बता रहा होता है कि वो कॉन्टैक्ट लेंजेज यूज़ कर रहा था क्लिनिकल फीचर्स ले लिया उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन्स करते हैं इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं वही है हमें पता है कि हमने क्या करना होता है हमने स्क्रेपिंग्स करनी होती है कॉर्निया की स्क्रेपिंग लेनी होती है स्क्रेप Scrap, स्क्रेपिंग जो होती है उसको हमने स्टेन करना होता है यहाँ पे हम स्टेन यूज़ करते हैं दैट इज़ पेडिक एसिड्स के स्टेन पी ए एस स्टेन हम यूज़ कर सकते हैं कैल्सो कैल्सो फ्लोर वाइट स्टेन यूज़ कर सकते हैं जेमसा या ग्राम स्टेनिंग कर सकते हैं इसके अलावा स्टेनिंग के अलावा हम कल्चर कर लेते हैं कल्चर वगैरह करके इसके अलावा हम कॉर्नियल बायोप्सी करवाते हैं कॉर्नियल बायोप्सी हम तब करवाते हैं जब हमें लगे कि ऑर्गेनिजम जो है वो काफ़ी अंदर डीप पेंट्रेट कर चुका है तो तब हम जो है बायोप्सी भी करवा लेते हैं तो इस तरह से हमने डायग्नोसिस करनी होती है क्लिनिकल फ़ीचर्स से इन्वेस्टिगेशन से ठीक है क्लिनिकल फीचर्स और इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं इन्वेस्टिगेशन स्टेनिंग कर ली हमने और कल्चर कर लिया और हमने जो है वो बायोप्सी करवा ली फिर हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट में ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे इसमें तो आपने याद रखना है कि इसमें तीन हेडिंग्स पे हमने इसका ट्रीटमेंट करना होता है डिब्राइडमेंट करनी होती है जो कि हमने फंगल कैराटाइटिस में भी की थी सफाई सुथराई इसके अलावा हमने मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट करना होता है मेडिकल ट्रीटमेंट में हमने क्या करना होता है हमने टॉपिकल इमिबिसाइट्स देने होते हैं अमीबा है ना हमारा तो हमने उसको मारने के लिए टॉपिकल इमिबिसाइट्स देने होते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइट देना होता है अमाइनोग्लाइकोसाइट्स देने होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल नियोमाइसिन हम दे सकते हैं इसके अलावा क्लोर देते हैं ठीक है क्लोरागजीडीन क्लोहेक्सीडीन देते हैं इसके अलावा आपने याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज़ में भी आता होता है कि सबसे जो है टॉप टौ, थेरेपी में आप कौन से रखते हैं तो पोली बाय ग्यूनाइड ये सबसे टॉप पे आपने रखना है ठीक है ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है इसके अलावा फिर आपने ब्रोलिन याद रखना है ब्रोलिन में आपके पास प्रोपामाइ प्रोपामीडीन इज आइस एथेनोइट ये होता है ब्रोलिन ये देना होता है इसके अलावा एनसेड्स देने, तो देने होते हैं पेन बहुत ज़्यादा है ना पेशेंट को तो तीन दफ़ा दिन में एनसेड्स देने होते हैं ये या आपने याद रखना है पेशेंट को कहना है कि तीन दफ़ा दिन में तुमने आंसर्स लेने के बिकॉज ऑफ द स्वियर पेन इसके अलावा सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम कैराटोप्लास्टिक कर देते होते हैं विच इज़ द लास्ट ऑप्शन वी हैव कि जब ट्रीटमेंट जो है वो पेशेंट रिकवर नहीं कर रहा तो हम उसकी कॉर्निया ही ट्रांसप्लान कर देते हैं ठीक है सो so, ये आपके पास जो है ना ट्रीटमेंट आपने इस तरह से याद रखना है डिवरापमेंट की मेडिकल ट्रीटमेंट में आपने याद रखना है कि आपने जो है ना बीबी साइड्स देने होते हैं जिसमें आपने टॉप पे याद रखना है बाइगोनाइट वाला उसके बाद आपने जो है ब्रोलिन याद रखनी है माइनोग्लाइकोसाइड्स क्लोहैक्सीडीन याद रखनी है और जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है उसमें आपने कैरेटोप्लास्टी कर देनी है सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैंथमीबा कैरेटाइटिस। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं वायरल कैरेटाइटिस।